एक लड़की का बलात्कार हो जाता है, वह एक साल उसका परिवार उसका पिता वह रौला पाते हैं, एक साल तुरे फिरते रहते हैं, एफ आई आर तक दर्ज नहीं होती, साल बाद जाके एफ आई आर दर्ज होती है, वो पिता को जेल च रखा जाता है, जेल च कुटमार की जाती है, वो पिता की मौत हो जाती है, तो एफ आई आर किसके केस दर्ज होती है, क्योंकि रेप किया भाजपा के एम एल ए ने, एक साल संघर्ष कर तो बाद एफ आई आर दर्ज होती है, केस चलता है, तो केस के एम एल ए सज़ा जी हो जाती है। तो तुम देखो कि भाजपा की सोच का उतो पता लगता है कि जेडे एम एल ए पहला बचाने की कोशिश की गई योगी सरकार वालों, तो जदों वो गल नैशनल पद्धर से पहुँच गई, मीडिया के आ गई, उस तो बाद जो परचा भी दर्ज हो गया, सज़ा भी होगी, वो मैंबरशिप भी खारज होगी, तो उदू बाद बीजेपी वो घरवाली टिकट जी उतों दे के चेयरमैन जोड़ा बना लिया जाता है। यह सोच है बीजेपी की, जो ही कुछ अच्छे मणिपुर च हो रहे हैं, मतलब कि दो महीने लंघ जा एड्डी घटनाक्रम हो जाए तो थोनू उतों के मुख्यमंत्री पता ना हो सकता है, किसी की चैनी भी ला ली जाए किसी औरत की, वो भी घटनाक्रम साढ़े पंजाब कदे हो लगता घंटे बाद सारे पंजाब के लोगों जोड़ा पता होंगे, वीडियो बन गई औरतों का नगन करके जुलूस जोड़ा कटिया गया, तो मुख्यमंत्री पता तक नहीं, तो प्रधानमंत्री तीन महीने हो गए इजलास आ लोकसभा का अंदर अपना मूँह खोलने लिए तैयार नहीं। सो इतू जी सरकार आई सी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे के सरकार च बेटिया नाल दरिंदगी हो रही है, इतू मंदभागा कुछ हो नहीं सकता।